नाना जी दूध कहाँ से लेते थे? जी मैं देने आता हूँ दूध, ये कोने पर दुकान है हमारी। अपनी दुकान है? जी नहीं, काम करता हूँ। तो आज आए थे दूध देने? हाँ जी आया था। अच्छा बोलते रहो, कब आए, क्या देखा? जी मैं आया करीब 5:30 बजे। बाकी भाई बैल बजाई, अंकल आए, दूध लिया, न्यूज़पेपर उठाया और चले गए अंदर। अच्छा अंकल आए, दूध लिया और चले गए। हाँ जी जलालू, कल आए थे कुछ सामान देने? कल तो ऑल आउट देने कितने बजे आए थे? जी ऑल आउट? हाँ कल शाम को ऑल आउट देने आए थे, कितने बजे आए थे? जी 8:30। भाग्या जी 2 मिनट देंगे अकेले? लेने देने वाला सीन? हाँ सही है सर। सिगरेट कौन सी है ये? जी जी ब्लैक। अच्छी स्मेल है, अच्छे से पी लो, फिर पता नहीं कब मिले। तुमने बोला तुमने आज सुबह अंकल को देखा, अंकल तो रात को ही मर गए थे। जब किसी को मरे हुए 12 घंटे के आसपास हो जाते हैं तो उसका सारा ब्लड नीचे की तरफ चला जाता है और कमर और टांगों के यहाँ जमने लगता है, जैसा अंकल जी के जम गया था। तो मतलब अंकल जी रात को ही मर गए थे। सुबह जब आए तो दूध बाहर रखकर चले जाना चाहिए था, बोल देते, बेल बजाई, कोई आया नहीं। किचन में दूध की थैली पर भी आज की डेट थी और आज का न्यूज़पेपर भी टेबल पर था। अगर अंकल रात को ही मर गए थे तो मतलब कोई आया दूध और न्यूज़पेपर लेके। फिर उसने चाय भी बनाई ताकि लगे अंकल सुबह तक जिंदा थे। जी वो ऑल आउट का क्या बताया आपने? मैंने कैलकुलेट किया था कि 8 से 9:30 के बीच मारा है उनको, क्योंकि 8 बजे वो बेटी के घर से वापस आए और सॉकेट वाली ऑल आउट खाली थी पर चेंज नहीं की उन्होंने, जबकि मच्छर बहुत हैं और थैली में भी पड़ी थी नहीं। मतलब सोने से पहले ही मार दिया था उनको, मतलब 9:30 से पहले। तुमने बताया तुम 8:30 से 9 के बीच में आए ऑल आउट देने, तो कन्फर्म हो गया। अरे अरे रो मत, पर उसे ये तो दिखाना था कि मर्डर सुबह हुआ है। क्या हुआ था? कल रात को देख लिया था किसी ने घर से निकलते हुए? पड़ोस वाली आंटी ने। तो ताकि किसी को ये ना लगे कि आखिरी आदमी तुम थे जो घर में गए, तुम सुबह आए, चाय बनाई, जिससे सबको लगे कि सुबह तक वो जिंदा थे। आप पुलिस को तो नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा यार, काम है मेरा, ये रख सकता हूँ ये।